वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस व्लॉग इज ऑल अबाउट विशाल मेगा मार्ट। तो हम हर साल की तरह आज भी जाएंगे विशाल मेगा मार्ट और करेंगे एक्सप्लोर कुछ विंटर कलेक्शंस। देखते हैं हमारी क्या सस्ते सस्ते शॉपिंग हो पाती है, सस्ते हैवी के लिए, वो सब देखेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चाहती हूँ कि मैं इस साल में 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ, तो प्लीज इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करो और प्लीज चैनल का सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वियर्ड से एंगल में मैंने ना वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया कि देख सकते हो पर कैसे बैठी हुई यार वो कोने, मतलब इतने मोटे मोटे लोग बैठे हुए थे कि मुझे बिल्कुल जगह नहीं मिली थी। मुझे थोड़ी सी जगह दे रखी थी लोगों ने बैठने के लिए जिसमें एक पैर मेरे नीचे थे और मुझे इतना डर लग रहा था। देख सकते हो ऑटो जो है मेरे एकदम नज़दीक से निकल रहा था, मैं तो अपने दिल पर हाथ रख के बैठी हुई थी, ऊपर से सीट भी फिसल रही थी। तो मैं सोच रही थी बस मैं टपक ना जाऊँ, पहुँच जाओ जल्दी से। और फिर हम पहुँच गए यहाँ पे, दो गायों ने हमारी स्वागत किया था। उसके बाद फिर हम अंदर गए ना, तो मैं मतलब खुश हो गई थी देख के क्योंकि ना काफ़ी अच्छे कलेक्शन ऐसे देखने पे लग रहे थे। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो आज तो शायद कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर हमने अपना रिसर्च शुरू किया और यहाँ पे 299 में स्वेटर्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे थे, देख सकते कलर भी काफ़ी अच्छा। मैं घर से सोच के गई थी ना कि मुझे एक कार्गो पैंट भी लेना है या फिर तो फिश कट पैंट जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट वो तो मुझे मिले नहीं। बाकी ना ये मुझे इस तरह के ना जो थोड़े से ऐसे पफी पफी वाले स्वेटर्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। बहुत ऐसे कोजी कोजी से होते हैं, वुलन में इतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी इचिंग होने लगती है वुलन से। बाकी मुझे ना ऐसे वाले जैकेट्स बहुत पसंद आते हैं। बॉटम में ना यार मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, मुझे बॉटम चाहिए था बहुत टाइम से क्योंकि मेरे पास ना ऐसे कुछ अच्छे वाले बॉटम्स नहीं है। तो मेरे को वो कलेक्शंस चाहिए दो तीन जो कि मैं हमेशा यूज़ कर सकूँ। बाकी कलरफुल देख रहे कितना ज़्यादा है इसके विंटर का, यहाँ पर बाई टू गेट समथिंग फ्री था। तो मतलब इतने ज़्यादा ना अच्छे ऑफर्स नहीं थे, प्राइस भी नॉर्मल नॉर्मल सही था। मतलब मार्केट में जैसा आपको मिलेगा दूसरे स्टोर्स में जितना मिलेगा ना वैसा ही था, कुछ खास ऐसे कम में नहीं थे। तो बाकी है थे अच्छे। ये पर्पल वाला जैकेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, अंदर में थोड़ा सा ऐसे कोजी वाले थे। तो आप बताना आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे भी पर्पल वाला ही पसंद आता है। 259 में ये पजामी थे, बाकी ये ना मार्केट में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं तो यहाँ से मैंने नहीं लिए। पॉकेट होते ना तो पक्का ले लेती पर पॉकेट नहीं थे इसमें भी। फिर मैं आ गई किड सेक्शन में क्योंकि जब से मेरे घर में ना दो बच्चे हैं ना तब से मेरे ना दिमाग में हमेशा ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेने का चीज़ चलता रहता है। तो मैंने यहाँ से एक ले लिया था खुशी के लिए ताकि वो कुछ आर्ट वगैरह बना सके। बाकी यहाँ पे मैं मिरर में लेने की कोशिश कर रही थी अपने आप को, बट मिरर में इतना कबाड़ डाला था ना। तो फाइनली मैंने कुछ टी शर्ट्स उठाए जिनको मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कि कैसे लगेंगे ये। एंड ये वाले बॉटम भी लिया था मैंने जो इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यार मैं इतनी सारी चीज़ें ना ट्राई करके थक गई थी, मतलब मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी ट्राई करना ना और बार बार चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बस मुझे लगता ना किसी तरह से मुझे पता चल जाए कि ये मुझे फिट हो जाएगा, बट मैं ना बहुत बार ऐसी गलतियां कर चुकी कि मैं टी शर्ट्स लेके आती हूँ और फिर वो मुझे टाइट हो जाते हैं और मैं रिटर्न करने भी नहीं चाहती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं यार। बाद में ना मुझे ये वाली जैकेट याद आई थी तो मैं इसको ट्राई करने के लिए गई थी, बट ये ट्राई करके उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसको नहीं लिया। और फिर जल्दी से हम निकल पड़े बिलिंकरा के और ये सारे सामान थे। और मैंने ना लास्ट में थोड़ी सी ठंड लग रही थी मुझे तो मैंने ये स्वेटर निकाल के पहन लिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कलर भी। अब मुझे लग रहा है ना कि मुझे इसमें से ही ना दो तीन पीस और ले लेने चाहिए थे अलग अलग कलर्स के, काफ़ी ऐसा कंफर्टेबल सा लग रहा है। कहीं भी बाहर निकलो ना थोड़ा सा ऐसा वॉक करने के लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा, बस उठाओ और पहन लो। अभी पहुँची हूँ और मैं इतनी जल्दी आ गई ना, मतलब मैं मेरे ख्याल से मैं 12 बजे गई थी और अभी 4:33 हो रहा है जस्ट, और मैं अभी वापस भी आ गई हूँ। ऐसे नॉर्मली मैं इतनी जल्दी आती नहीं हूँ। तो बस मैंने ये एक लिया है पुलओवर की स्वेट शर्ट ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, तो ये लिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। 300 का ये पड़ा था मुझे और कुछ ज़्यादा मैंने लिया नहीं, चीज़ें बहुत सारी थी बट ऐसा लग रहा था कि कुछ पसंद नहीं आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ लिया नहीं। बाकी बेसिक टी शर्ट जो मैंने ट्राई किए थे वो सारे ले लिए मैंने और बस इतना ही लिया। और वीडियो कैसी लगी बताना मुझे, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।